वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक टैंक है जिसका डायमेंशन है 80x60x60 और उसे एक पाइप से फिल किया जा रहा है जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ द वाटर बता दिया गया है 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता लगाना है टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, यानी कि कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं कि टैंक का कितना पार्ट यानी कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक हम निकाल लेते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक और वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल्स टू होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा 80x60x60 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 288000 सेंटीमीटर। सो इतना वॉल्यूम फिल करना है और हमें दिया गया है कि स्पीड ऑफ द वाटर जो है वो है 3.2 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पता है तो हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर हम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप दैट इज 1.5 इंटू स्पीड ऑफ द वाटर, क्योंकि हमें 3.2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है तो उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3.2 इंटू 100 एंड यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू होगा 480 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है एक सेकेंड में 480 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 480 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज डिस्चार्ज्ड इन 1 सेकेंड, देयरफोर इतना वॉल्यूम डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, therefore 288000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर विल डिस्चार्ज इन हो जाएगा 288000 डिवाइडेड बाय 480 इक्वल्स टू होगा 600 सेकेंड्स। सो अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। सो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक हो जाएगा 10 मिनट्स। थैंक यू।